गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। तो कैसे हो, होपफुली आप लोग जो हो दिल से बहुत ज्यादा खुश और बढ़िया हो। नॉट टू टैप का नया वीडियो गाइस आ चुका है, फाइनली नेटफ्लिक्स इंडिया के साथ आ चुका है ये वीडियो, एवरी इंडियन गोवा ट्रिप एवरी टैप बाय नॉट टू टैप। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैनल पे नया हो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग अपडेट। ऑन द हमने नॉट टू टैप को बहुत ज्यादा मिस किया, आप लोग कमेंट में बता सकते हो किस किस ने नॉट टू टैप को बहुत ज्यादा मिस किया। तो ज्यादा बात हम करेंगे नहीं, सीधा आप लोगों को ले जाते हैं वीडियो के ऊपर। 3, 2, 1 लेट्स गो। ये कहानी है एक रहस्यमय गुफा की, जहां समय का आगे पीछे होना लगा ही रहता है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कैसे जोनस अपनी बंदी मार्था के साथ गोवा जाने की प्लानिंग कर रहा है। ओए, सब जा रहे हैं, तू भी आ जा। अरे मार्था देखो मम्मी ऐसा कर रहा है, मेरे लिए नहीं आएगा। मार्था प्लीज, मार्था मम्मी यार, मार्था पर फिर मैं रोहन साथ चले जाऊंगी। देखो मार्था, हेलो रोहन। मार्था रुक, मैं मम्मी से पूछ रहा हूँ। मम्मी सब गोवा घूमने जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। वाह वाह वाह, देख रहे हो इसे? नहीं बेटे आंखें नहीं है, सुन रहे हो? नहीं बेटे कान भी नहीं है, फील कर रहे हो? हाँ बेटे लगता है किसी को गोवा जाना है। आप ज्यादा एक्साइटेड मत हो, वरना हर दो मिनट में तो ऊपर से रोशनी नजर आने लगती है। कल पूरी रात मैं सो नहीं पाई उनके पीछे। रोशनी नजर। अरे एक बार मैं लेके क्यों नहीं चले जाते, ये बार बार लाइटें क्यों बंद चालू कर रहे हो भाई साहब? मम्मी प्लीज जाने दो ना। बेटा देख, अपने पापा से जाके पूछ। ठीक है पापा। बड़े मम्मी से पूछ। बेटा पानी। बड़े मम्मी से पूछ। थोड़ा सा पानी पिला दे। दादाजी वो नातू नातू का पोस्टर है, उसमें माला और अगरबत्ती चढ़ाना बंद करो। और मम्मी आप ही बता। बेटे अपने पापा से पूछ। बड़े मम्मी से पूछ। बेटे पापा से। बड़े मम्मी से। मम्मी आप ही मम्मी पापा पापा मम्मी कहाँ हैं? इन लोगों ने बचपन में भी ऐसे ही किया था, जब मैंने मेले में एक काली लंबी बंदूक से उस आदमी के फुक्के फोड़ने के लिए जिद करी थी। पापा मम्मी 15 साल तक मुझे उस फुक्के वाले के साथ रहना पड़ा था। सॉरी बेटा, हम तो बस तुम्हें 2 साल के लिए छोड़ के भागने वाले थे, लेकिन मेला इतना बड़ा था कि हम खुद घूम गए थे। मैं खुद 15 साल राई झूले वाले के साथ रहा हूँ। वो मैं थी यार। तुमसे मैंने कहा है ना, दाढ़ी मत काटा करो, मुझे तुम्हारा राई झूले वाले आदमी जैसा चेहरा हॉट लगता है। मम्मी देखो मुझे गोवा जाना है, ठीक है? बेटा हमारे जमाने में हम पहाड़ चढ़ के स्कूल जाया करते थे, उड़ते सांप को अंदर। मुझे नहीं सुननी आपकी फिर से झूठी कहानी। ये क्या है, हमारे घर में सीक्रेट रास्ते भी है? यहाँ तो एक जंगल है। अरे वो देखो एक गुफा। ये हमारे घर के पीछे क्या कर रही है? हेलो हेलो, बस करो, किसी जानवर ने सुन लिया ना। एक सेकंड इधर आना जरा। अरे बेटा ये तो हमारा जमाना है, वो देखो हम कैसे पहाड़ पे चढ़ के स्कूल जाया करते थे, फिर नदी से मैं और मेरा यार मगरमच्छ 2 पैसे का समोसा खाते थे क्योंकि माँ टिफिन नहीं देती थी। फिर हम जंगलों से, वैसे पता है माँ तो कभी कभार खाना भी नहीं बनाती थी। खैर फिर हम जंगलों से, पता है माँ ने तो कभी कपड़े तक इस्तरी करके नहीं दिए। खैर फिर हम जंगलों से, लेकिन पता है माँ की एक बार में कम्प्लीट कर लेना माँ की बुराई। बार बार जंगल से भाग के आ रहा हूँ घर पे इस सीन के लिए, बॉडी बन गई है, बिस्किट आ गए मेरे, क्योंकि माँ ने कभी जिम नहीं जाने दिया। एक सेकंड, लेकिन हमारे घर के पीछे एक गुफा आई कहाँ से? अरे दादाजी और ये आदमी कौन है? तो हम दोनों तुम्हारे। एक सेकंड आप चुप हो जाओ यार। हम दोनों ही तुम्हारे दादाजी हैं। जब मैं छोटा था मुझे भी गोवा जाना था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे नातू नातू डांस करते हुए मना कर दिया और कहा जब वो छोटी थी वो पहाड़ चढ़ के स्कूल जाती थी। मुझे पता लगा रहा था कि ये सारी कहानियाँ सच है भी या नहीं, लेकिन वो बस टाइम में पीछे जाके हो सकता था। एक दिन एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और एक गुफा बन जाती है, उससे मैं टाइम में पीछे तो गया, लेकिन मुझे पता चला ये सारी चीजें तो मेरी वजह से ही हुई है। ये पहाड़, ये उड़ते सांप, सब कुछ गुफा की वजह से हुआ है। ये सब देख के मेरी पैंट गीली हो गई। अरे नहीं नहीं, ये फ्लैशबैक में दिखाने की जरूरत नहीं है, ये तो अभी हुआ। अरे तुम्हारी भी हो गई। लो बताओ तुमने ये सब गोवा जाने के लिए किया? मैंने नहीं बेटा, हमने। क्या? हम तीनों एक ही इंसान है। एक सेकंड, तुम मुझे कहना चाहो? अबे ये म्यूजिक बंद करो पहले। कितना मजा आ रहा था। तुम भी हम ही हो। तभी मैं सोचूं मेरी भी पैंट गीली क्यों है? ये तुम्हारा ही बेटा है, तुम अपने पापा के भी पापा बन गए टाइम में पीछे आने की वजह से। एक सेकंड, अगर इतना सब हमने गोवा जाने के लिए किया है तो क्या आखिरी में हम गोवा जा पाए? नहीं, लेकिन कोशिश जारी है। वैसे टाइम में पीछे आने की वजह से अब मार्था भी तुम्हारी आंटी है।